ये तो तुम लोग नए आ रहे हो, अभी जो क्लास लिए पूरा वो कहाँ चले गए? चलो म्यूट कर दो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, म्यूट करो फटाक से। म्यूट कर दो जी, म्यूट कर दो रिचा। हाँ म्यूट करो। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे थे, आज का लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे थे। ठीक है, देखो लास्ट हाँ हम लोग क्या देख रहे थे, म्यूट कर दो जी जिसका म्यूट ऑन है। हाँ देखो जरा सा क्या देख रहे थे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर बता चुके थे। ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं? तो वैसा नंबर, ठीक है, जो वैसा एटम। म्यूट कर दो साहिल, साहिल साहिल म्यूट करो। साहिल म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है। थैंक यू। तो क्या बोले हम कि क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है वही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। और ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जीरो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। जनरली क्या देखा जाता है? जनरली आपका पॉजिटिव देखा जाता है। जनरली मतलब मैक्सिमम क्या देखा जाता है? पॉजिटिव। कुछ जीरो नजर आता है और निगेटिव है, जो आपके सिलेबस में भी बेसिकली नहीं नजर आता है उतना, लेकिन जनरली जो है वो क्या नजर आएगा आपका? पॉजिटिव, मैक्सिमम जीरो, कभी कभी नजर आते हैं न्यूट्रल वाले में, और उसके बाद आपका निगेटिव जो कि रेयर नजर आते हैं। उसके बाद हम बात करें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, तो ये क्या कहता है ध्यान से समझना। कहता है द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम विच गिव्स अराइज टू द पर्टिकुलर ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स आयन फॉर इट्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। आपको याद दिला देते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, तो उसमें जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था तो एक दूसरे से, चूंकि ये जब थ्योरी हम लोग पढ़े थे लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, तो दो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, उसके बाद एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर के बीच में, और एक बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होता है थोड़ा सा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, रिपल्सन थ्योरी को ध्यान में रखते हुए, रिपल्सन को कम करने के लिए बॉन्ड अपने आप से जितना दूर हो सके उतना जाएंगे और ज्योमेट्री का फॉर्मेशन उसका होता है। ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल भी कहेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब लिगेंड बॉन्ड बनाएगा तो लिगेंड भी एक दूसरे से जितना हो सके दूर जाना चाहेगा ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अचीव कर सके और स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। जैसे कि यदि हम बात करें मोनोडेंटेट का, ठीक है, किसका बात करें? मोनोडेंटेट L2। L2 का मतलब क्या हो गया? केवल दो ही लिगेंड यहाँ पे हैं, मोनोडेंटेट उसको हम लोग कहेंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? दो। दो लिगेंड डायरेक्टली अटैच है मेटल से, दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर। समझ में आया? आसान सा एक बॉन्डिंग वाला ही पार्ट है ये वाला। उसके बाद यदि तीन मौजूद है तो कैसा हो जाएगा इन जनरल वे में? यस, ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चार मौजूद है तो दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक, एक तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है और एक टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ऐसा कब होता है और ऐसा कब होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद और आगे जाते हैं, ML5 यदि 5 आ गए तो 5 वाले में क्या बन सकते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TBP कहेंगे, या फिर क्या बनेगा आपका? हाँ, स्क्वायर पिरामिडल भी बन सकता है। तो यहाँ भी दो बनने के चांसेस है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में।
एम एल फाइव है, एल फाइव है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, पी एन बराबर कितने हो जाएंगे बेटा, फाइव हो जाएंगे। तो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस स्ट्रक्चर। अब इसके ये तो हम बस इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दे रहे हैं, अभी इस पर भी डिस्कशन होगा बाद में पूरा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर किसका क्या बन रहा है, ये तो बस हम इन जनरल बता रहे हैं, ठीक है, इन जनरल हम बस डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या नजर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल। अब ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, उसके भी बारे में बात करेंगे। और एम एल सिक्स वाला जो है उसमें जो है आपका क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल, कैसा बनता है ऑक्टाहेड्रल, एक ही तरीके का बनेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और एक चीज बात नोट के तौर पे क्या ध्यान में रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैन वेरीज फ्रॉम 2 to 8। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो जनरली वेरी करता है 2 to 8 तक में, एंड मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4 and 6 होता है। हमारे सिलेबस में भी 4 and 6 की ही महत्वता, इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा दी गई है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर बाकी तो ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 तो एकदम दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा बात क्या बता रहे हैं कि जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जनरली ये बात ध्यान में रखना है, हम जनरली बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। हम क्या बोले कि जनरली देखा गया है कि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो डबल होता है, दो गुना होता है, किससे, तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके जो सिंपल मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उससे डबल, यानी कि स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर उसका 2 है तो उसका पाया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जनरली वो 4 का फॉर्मेशन करता है, 4 वाले 4 लिगेंड के साथ वो बनाता है, या फिर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ऐसा देखा गया। एग्जाम्पल के तौर पर एजी का प्लस होता +1 है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पाया जाता है। जनरली कॉपर का +2 है तो इसका 4 पाया जाता है, लेकिन एफी +2 भी होता है +3 भी होता है, तो हम लोग किसका +2 जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर +4 नहीं, जनरली उसका +6 माना जाता है, यानी ये किसको फॉलो कर रहा है, 3 वाले को, 2 वाले को नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीजें जो है वो ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है, हाँ। और तीसरा बात हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तो तीसरा बात हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि नॉर्मली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा कॉम्प्लेक्स का विल नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल नॉट चेंज, ये भी आपको ध्यान में रखना है जरा सा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसमें पूरा का पूरा टर्मोलॉजी सारा कुछ देख चुके हैं, ठीक है। ठीक, अब हम लोग आगे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्या कहता है, कहता है इसमें अब हम लोग केस बनाकर देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कहता है केस 1, ठीक है, केस 1। तो केस 1 में क्या है कि कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन, ठीक है। क्या बोलता है केस 1 में, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन या फिर एनायन, तो इसमें पहला जो है वो क्या है, सॉल्ट कंटेनिंग सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। क्या बोलता है, सॉल्ट कंटेनिंग सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, यानी वैसा सॉल्ट जो कंटेन करेगा सिंपल कैटायन, यानी कैटायन सिंपल, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल वाला यानी आयोनाइजेशन स्फीयर में, और कॉम्प्लेक्स एनायन यानी कि एनायनिक पार्ट किसमें रहेगा आपका, जी हाँ, एनायनिक पार्ट किसमें रहेगा, कॉम्प्लेक्स में रहेगा, इज दैट क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल K3FeCN6, तो ये एक चीज है, और हम दिखाएं 3:1, 3:1 क्या है कि K3 है, दैट्स व्हाई इट इज 3, 3 है ये, पॉजिटिव वाले 3 है और नेगेटिव वाले ये होल पे -1 आएगा, तो 3:1 और टोटल कितना हो गया 4, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी सॉल्ट, इसको हम लोग क्वार्टरनरी सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। अगेन K4FeCN6, तो ये 4 है और ये 1 है, अकेला है बेचारा ये पूरा, तो 4:1, 4
और वन कितने होंगे, फाइव हो गए, दैट इज कॉल्ड पेंटानरी सॉल्ट, इसको पेंटानरी सॉल्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद Na, AgCN, ये पूरा अब देखेंगे तो ये 1:1 में आता, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्ट, दो हो गए। यहाँ पे 3:1 में आ रहा, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी सॉल्ट, ये क्या हो जाएगा, हेप्टानरी सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, सबका सब आप देखेंगे तो ये जैसे एग्जाम्पल Fe4, FeCN का होल 4, 3, तो ये ब्रेक किसमें होगा, 4Fe+3 में, और साथ ही साथ 3FeCN का होल 4+4 में, ठीक है, -4 में, ठीक है, इसमें आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, -4, तो ये आपका होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका ये है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सॉरी सिंपल कैटायन, सिंपल कैटायन का मतलब वैसा पार्ट जो कि किसमें हो, आयोनाइजेशन स्फीयर में हो, जो कॉम्प्लेक्स में ना हो। तो सिंपल कैटायन कहने का मतलब वही कि कैटायनिक वाला पार्ट किसमें रहेगा, वो सिंपल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स में तो नहीं है, ठीक है, और वो अपने आयन्स का पॉजिटिव टेस्ट देगा। और कॉम्प्लेक्स एनायन कहने का मतलब कि वो पार्ट, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट किसमें है, एनायन होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट किसमें होगा, एनायन। दूसरा आप देखते हैं पार्ट, अब आसानी से आपको समझ में आते जाएगा, अब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है, सॉल्ट कंटेन करेगा कॉम्प्लेक्स कैटायन, कैटायन कॉम्प्लेक्स और सिंपल एनायन, एनायन क्या रहेगा, सिंपल। देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये टूटेगा तो SO4 क्या चला जाएगा, -2, ठीक है, -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपका सिंपल एनायन। देखो यहाँ से सिंपल एनायन, ये सिंपल एनायन, ये सिंपल एनायन, ये क्या मिला आपको, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स कैटायन। और फिर उसी तरीके से 1:1 में है दोनों तो बाइनरी सॉल्ट, 1:3 में है तो क्वार्टरनरी सॉल्ट, 1:2 में है तो ट्राइनरी सॉल्ट, ठीक है, 3:5 में है तो पेंटानरी सॉल्ट, और ये ब्रेक होगा तो इस तरीके से ब्रेक हम लोग कर सकते हैं। आया बात समझ में, तो ये देखो कैटायन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैटायन और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। और तीसरा जो मिलता है वो क्या मिलेगा, कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन जो है वो मिलता हुआ आपको नजर आएगा, जो इस तरीके से इस फॉर्मूले पे आपको नजर आएगा, जो पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले पे आपको नजर आता है, ठीक है, फॉर्मूला डिस्कस पहले हो चुका है, किस तरीके से x को ऊपर लिखते हैं, y को नीचे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी उसी तरीके से है, ये ब्रेक कैसे, ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे, तो ये PtNH3 का होल 4, PtCl4, तो ये हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, 1:1 में है, इसको इस तरीके से है लिखे हुए हैं, ठीक है, ये वाला। अच्छा, पीटी और पीडी, खास बात ये चीज ध्यान में रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये बात, क्या है इम्पोर्टेंट, ये नोट ही करके लिखना है, ठीक है, नोट करके लिखना है कि PT+2 या PD+2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है, 400 होता है, कितना शो होता है, 400 होता है जनरली, ठीक है। तो इसका यदि 4 होता है, इसका मतलब हम एज्यूम कर लें कि ये 4 तो नजर आ रहा है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, समझ में आया, क्लियर है। तो PD+2 भी क्या करता है, 4 करता है, तो एक को मान लिए प्लस, एक को माने माइनस, ये करके हम लोग निकाले हैं। हाँ, कैसे निकालते हैं इसका भी हम बताएंगे तरीका, अभी तो हम इसी तरीके से कर दिए, ठीक है, ये हुआ, समझ में आया। अब सॉल्ट कंटेनिंग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट, यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसका न्यूट्रल रहेगा, तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल है जिसके कॉम्प्लेक्स पार्ट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, न्यूट्रल रहेंगे, कोई भी चार्ज नहीं होता है इसके, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो लिगेंड रहते हैं वो खुद न्यूट्रल रहते हैं, इसके अंदर वाला लिगेंड क्या रहता है, न्यूट्रल, इसीलिए इस पे कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम। अब केस टू, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के बेसिस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो लिगेंड के बेसिस पे क्या बोलता है, लिगेंड के बेसिस पे बोलता है कि ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका दो तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक को कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा को कहते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो जो होमोलैप्टिक, होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, सिंपल, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो सेम कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ लिगेंड, यदि एक ही टाइप का लिगेंड है, जैसे NH3 का होल 4, ये क्या है, लिगेंड है, चारों लिगेंड एक ही टाइप का है, H2O का होल 6 क्या है, यहाँ लिगेंड है, और चारों छो लिगेंड एक ही टाइप का है, दैट इज कॉल्ड होमोलैप्टिक। लेकिन हेट्रोलैप्टिक लिगेंड में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंटेन करेगा एक से ज्यादा लिगेंड को, देखो कितने लिगेंड कर रहे हैं, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड कहलाएंगे। तीसरा केस में क्या बोलता है,
कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, कितने सेंट्रल मेटल एटम है। जी हाँ, सेंट्रल मेटल एटम भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे मोनोन्यूक्लियर, जनरली क्या चलता है, मोनोन्यूक्लियर, यानी कि इसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम होगा, इसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम होगा, दैट इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियर एक से ज्यादा यदि हुआ तो एग्जाम्पल NH3 का होल 5 CrOH CO, NH3 का होल 5 Cl, इसका स्ट्रक्चर यदि देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से अपने को देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एक लिए हुए हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल जो लिए हुए हैं वो ये है, तो इसमें देखेंगे Cr, Cr क्या है, CMA, ये CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है CMA, और ये दो जो आपको नजर आ रहे हैं NH2 और OH, ये ब्रिज एलिमेंट की तरह से काम आ रहे हैं, ठीक है, ब्रिज एलिमेंट, ठीक है, ब्रिज की तरह ये काम आ रहे हैं, दोनों को जोड़ने का, दोनों सेंट्रल एटम को जोड़ने का काम आ रहे हैं, ठीक, समझ में आया। तो ये पॉलीन्यूक्लियर वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स को देख के हड़बड़ाना नहीं है, वो स्टार्टिंग में भी दिख रहा होगा, अरे इतना बड़ा है, इतना भयानक टाइप का है, लेकिन धीरे धीरे वो सब है ना, वो सब ध्यान में आते चला जाएगा, ठीक है, वो सब करवा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या है भाई, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे, तो कॉम्प्लेक्स में क्या है कि एम मेटल जो होता है वो प्लस चार्ज रहता है बेटा, तो कैसा शो करेगा, लिविस एसिड की तरह, ठीक है, और जो लिगेंड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो वो कैसा शो करेगा, लिविस बेस की तरह, और दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, एडक्ट बनते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, और इनका ये जो इक्विलिब्रियम पे होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, के इक्विलिब्रियम, ये सब थोड़ा सा तो नॉलेज है ही इक्विलिब्रियम का, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा होना चाहिए क्योंकि 11th आप पास कर चुके हैं, और के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है, के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, और इसको हम लोग के स्टे STA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट KF से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान में रखना है। और एक होता है के इंस्टेंटेनियस, सॉरी इनस्टेबिलिटी, के इनस्टेबिलिटी, के INS बताता है इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कितना ज्यादा अनस्टेबल है, और KD बताता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी जाहिर सी बात है जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, जितना ज्यादा फॉर्मेशन अच्छा होगा, उतना ही कम क्या होगा, इनस्टेबिलिटी होगा, सिंपल सी बात है, उतना ही कम क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, तो KF इसीलिए जो फॉर्मेशन होता है वो इनवर्सली टू क्या हो जाता है, KD के, और के स्टेबिलिटी भी इसको लिख सकते हैं, जो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के इनस्टेबिलिटी की, यानी कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जितना स्टेबिलिटी कम होगा, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स का बेटा फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आया क्या बोले हम। अब यहाँ पे एक आता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, जो हाईली स्टेबल माना जाएगा उसको परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि उसका KF बहुत ही ज्यादा होगा, यानी अल्फा इज वेरी लेस, लेस अल्फा KF फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट जो है वो है, और अल्फा आप लोग पढ़े हैं किसमें, आयोनिक में, अल्फा क्या होगा उसका बेटा, एकदम लेस होगा, यानी जैसे कि समझना है, फॉर एग्जाम्पल K3CuCN का होल 4, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा बेटा, 3 प्लस में, ठीक है, 3K प्लस में, और साथ ही साथ CuCN का होल 4 और ये -3, ये बना, ठीक, इसमें यदि हम लोग H2O डालेंगे तो कोई PPT ही नहीं मिलता है, कोई PPT नहीं मिला, कोई PPT नहीं मिला कि ये जो अपने फॉर्म में उसी में बना हुआ है, समझ में आया, ये जिस फॉर्म में उसी में बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखना, और एक बात कि KIP आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है, और ये क्या है, SP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, तो KIP यदि ज्यादा होगा KSP से, तो PPT विल फॉर्म करेगा आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट यदि ज्यादा होगा किससे, कांस्टेंट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो क्या होगा, PPT का फॉर्मेशन होगा, और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब PPT का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ PPT का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, न कि आपका आयोनिक वाला, बात समझ में आया। उसके बाद आता है, आज हम यहीं पे ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ फिर ज्यादा हो जाएगा पहले क्लास में, ठीक है, हालांकि हमको और आज लेना था और ज्यादा कंप्लीट करना था, लेकिन इतना ही तक छोड़ते हैं पहला दिन, ठीक है, कल जो है और आगे हम लोग इसको लिगेंड के बारे में जानेंगे, ठीक है, बेसिकली आज थोड़ा लिगेंड ही अपने को बताना था।
टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड तुरंत कवर हो जाएगा, ज़्यादा आपके दिमाग पे लोड भी नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ तक आपको पढ़ के आना, ये सारा कुछ क्या रहेगा, एच डब्ल्यू भी रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक, और इस पीडीएफ को भी हम आपके ग्रुप पे डालेंगे। ठीक है, ये वाला पीडीएफ भी जो हैंड रिटन नोट्स है, और आपका होमवर्क यही है कि ये सबको अगले क्लास में लिख करके लाना है, चेक करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में होमवर्क है, सब कुछ लिख करके लाना है। तो चलिए आज का मीटिंग यहीं समाप्त किया जाए, कल फिर से हम लोग मिलते हैं, और कल एट अ टाइम, मतलब एकदम टाइम पे मिलेंगे, कोई लेट नहीं होगा। आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा सेटअप करने में हमको भी लेट हो गया। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट्स रहता है तो फिर डाउट सेशन में जरूर भेजें। ठीक है, बात करें। चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, लिव करें सब लोग, लिव कर सकते हैं सब लोग।